आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बा, मुझे बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हमें आपकी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट? क्यों? हाँ बा, गट्टू के खो जाने के बाद और बापूजी ने आप पे जो इल्जाम लगाया है, और उम्र के साथ दिमाग तो कमजोर होता ही जाता है। साफ साफ बोल ना सुबोध, क्या कहना चाहता है? बा, कमजोर दिमाग ने आपको बेहोश होने का आदेश दिया और आप और फिर आप पर पागलपन के दौरे शुरू हो गए। बकवास बनकर शिल्पा, इलाज है बा, इलाज है। शिल्पा भाभी, ये वक्त रोने का नहीं, बाकी ट्रीटमेंट करवाने का है। अरे लेकिन तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बा, आपको कुछ नहीं होगा, जरा सी शॉक थेरेपी और आप छोड़िए बा, छोड़िए, मैं हूं ना, आपका सारा काम आपसे मैं करूंगा। अरे संभाल तू। आइए आप मार आई। मैं इसे रख देता हूँ। मैं रख देती हूँ, आप आराम कीजिए। अरे आराम करूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, तू डॉल दे। लेकिन अरविंद, बहस मत करना, डॉल दे। आप बात डॉल दे बोला ना मैंने तुझे, मानता नहीं अरविंद तू। आजा आजा, तू भी आजा, सुन ले बा का नया कारनामा। रविंद्र भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा, बा 100% पागल हो गई है। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। वो सब छोड़, लेटेस्ट न्यूज सुन। जिस बा की जय जय करके हमने उन्हें सर पे बिठाया ना, उसी बा ने हम मासूमों के साथ छल किया है। छल? छल कैसा छल? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बाकी अब सबको हो चुका है बेबी बेन। हाँ। माना कि बा ने बेहोश होने का नाटक किया होगा, लेकिन उसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई वजह तो रही होगी। हो सकता है बा ये देखना चाहती हूँ कि उनकी गैर मौजूदगी में इस घर को कौन संभाल सकता है। जवाब पूछने जाएंगे तो बा यही कहेगी। तो फिर आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, बा ने ये बेहोशी का नाटक क्यों किया? एंटरटेनमेंट, इसके अलावा मुझे और कोई रीजन नहीं दिखता है। अरे बा ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए मुझे कितनी बार घर से बाहर निकाल दिया है। नहीं 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 प्रवीण भाई, आपकी दूसरी लाइन बिल्कुल गलत है। एक मिनट, तो फिर मतलब पहली लाइन बिल्कुल करेक्ट है, बा ने एंटरटेनमेंट के लिए वो चाहे जो भी करने के लिए किया हो, लेकिन बा ऐसे कैसे कर सकती है? तो हमें कितनी टेंशन हुई, मैं अभी जाके बा को। नहीं नहीं भाई मत कर बीबी, हम सब चलेंगे। लेकिन प्रवीण भाई, बा से झगड़ा करने का क्या मतलब? अरे बा के साथ झगड़ा कौन कर रहा है? बा के साथ हम झगड़ा नहीं करेंगे। बा ने हमारे साथ जो नाटक शुरू करके खत्म किया है ना, उसके सीक्वल बनाएंगे हम, बा की बेहोशी पार्ट टू। मतलब बा ने कितना रुलाया हमें। आप रोए थे? चुप तो कराया ना। मीनाक्षी बिचारी कितनी रोई? मीनाक्षी तो हमेशा रोती रहती है। बेबी भी तो रोई। इन शॉर्ट हम सबको कितना धक्का पहुंचा, कितना दुख हुआ हमें। हाँ, बा का मकसद चाहे जो भी हो, उन्होंने हमारे साथ जो किया उसका नतीजा उन्हें भुगतना ही होगा। हाँ, अरे बा को थोड़ा परेशान करते हैं ना। हाँ। ऐसा गोल्डन चांस बार बार थोड़ी आता है। वो तो है। रोहन भाई, इसने हमारी सारी बातें सुन ली। आखिर दीवारों के भी कान होते हैं। चैताली,
तुझे कैसे पता कि हम यहाँ क्या? आपको नहीं लगता कि हमें मुद्दे की बात करनी चाहिए? चैताली, क्या चाहिए तुझे? हमें पिक्चर देखे बहुत दिन हो गए। तुझे पढ़ाई करके भी बहुत दिन हो गए, समझी? चल के अब यहाँ से। दादी माँ के पास ये बताने कि उनके नाटक की एक सीक्वल बन रही है। कितनी नालायक है ये, आपकी बेटी है। अच्छा चल जा, सुबह तुम सब बच्चों को संडे पिक्चर दिखाने ले जाएगा और होटल में खाना भी खिलाएगा, जा। Okay. अरे क्या सुबोध, मैंने तुझसे कहा था ना कि जो भी खर्चा होगा तुझे झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है चल जा। और सुन, हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश की है ना, तो अब पापा दीवारों के कान भले ही होते हैं पर डोंट वरी उनकी जुबान नहीं होती। बाय बाय। प्रवीण भाई, ये बेटी आपकी? मुझे इसका कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें हमारे प्लान पे इसी वक्त अमल करना पड़ेगा। अभी चले सब लोग, चल चलिए लीला भाभी। हाँ चलिए चलिए, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। हाँ लेकिन मेरे दांत में थोड़ा दर्द है, इसीलिए मैं बा के सामने कुछ बोल नहीं पाऊंगी। हाँ आपका बहाना शुरू हो गया। शिल्पा भाभी, इन्हीं को आगे करना है बा के सामने, देखते हैं ये कैसे नहीं बोलती। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो चलो, हम सब बा को दिखाएंगे नहले पे दहला। क्या आ, कैसे कहूं, सच तो ये है कि शिल्पा भाभी मुझसे नहीं होगा। हिम्मत से काम लीजिए शिल्पा भाभी, अगर आप इस तरह से रोएंगी तो। देखिए क्या हुआ, क्या है, ये रो क्यों रही है सुबोध? तुम लोग इतने मायूस क्यों हो? प्रवीण बा, बा मुझे बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हमें आपकी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट क्यों? हाँ बा, गट्टू के खो जाने के बाद और बापूजी ने आप पे जो इल्जाम लगाया है, और उम्र के साथ दिमाग तो कमजोर होता ही जाता है। साफ साफ बोल ना सुबोध, क्या कहना चाहता है? बा कमजोर दिमाग ने आपको बेहोश होने का आदेश दिया और आप, और फिर आप पर पागलपन के दौरे शुरू हो गए। बकवास बनकर शिल्पा, इलाज है बा, इलाज है शिल्पा भाभी, ये वक्त रोने का नहीं बाकी ट्रीटमेंट करवाने का है। अरे लेकिन तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बा आपको कुछ नहीं होगा, जरा सी शॉक थेरेपी और झेल लेंगी बाप, मुझे पक्का विश्वास है बाप झेल लेंगी। 440 वोल्ट के सिर्फ दो झटके और शिल्पा भाभी आप रोना बंद कीजिए प्लीज। तुम लोग क्या सचमुच मुझे पागल समझ रहे हो? प्रवीण भाई एम्बुलेंस आ गई है। बेबी तू भी मुझे, ये क्या हो गया हमारी बाग को? बेबी लीला भाभी चलिए बा, क्या ये पागलपन बंद करो तुम लोग। वही तो करने जा रहे हैं बा। सुबह उस तरफ से उठा चलो। अरे क्या उस तरफ से, मैंने एक बार कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखिए बा, हर इंसान जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं वो हमेशा यही सोचता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी हालत में उसका ट्रीटमेंट तो होना ही चाहिए। चलिए बा, चलिए छोड़ो मुझे। हर्षद को बुला। भाव वो इमरजेंसी केस हैंडल करने आउट ऑफ टाउन गए हैं। तो क्या हुआ बेबी, हम लोग हैंडल कर लेंगे ना। अरे और बेबी
तो शिल्पा भाभी को हैंडल कर। रो रो के हालत खराब हो गई उनकी। अरे क्यों रो रही है शिल्पा? लीला भाभी आप जरा वार्ड बॉय को बुलाएंगे प्लीज। और सुनिए वो चेक शर्ट वाली नर्स होगी तो उसे भी जरा। छोड़ दो मुझे। प्रवीण भाई बा ऐसे नहीं जाएगी। शिल्पा भाभी बा को बेहोश करने का इंजेक्शन दे दीजिए। चलिए। मेरे कोई नजदीक आएगा वो सीधा घर से बाहर जाएगा। आइए आइए ये है हमारी बा। हाँ चलिए चलिए चलिए। खबरदार जो मेरे करीब आएगा वो सीधा घर के बाहर जाएगा। डोंट वरी बा जब तक आप ठीक होकर वापस आएंगी तब तक ये घर आपके नाम हो चुका होगा। शिल्पा भाभी रोना बंद कीजिए प्लीज। प्लीज भाभी कंट्रोल। आइए अरे क्या चल रहा है। प्रवीण सुमोद सुमोद अरे मैं बेहोश नहीं हुई थी वो तो चक्कर आया तो मैंने बेहोशी का नाटक किया था। हमें पता है बा। अच्छा तू हंस रही थी बा आपको क्या लगा सिर्फ आपको ही एक्टिंग आती है। ये था नाटक बा की बेहोशी पार्ट टू और इसके स्पॉन्सर्स थे सुबोध ठक्कर। तुम लोगों ने झूठ मूठ मुझे परेशान किया ना और आपने झूठ मूठ का बेहोश होकर हॉस्पिटल में एडमिट होकर हमारा एंटरटेनमेंट किया। अब क्या सिर्फ मैं ही बोलूं? वैसे बा आपने बिल्कुल गलत किया घर में सबकी जान निकल गई थी। तुम लोगों को क्या लगता है ये सब मैंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए किया? अब प्रवीण भाई तो यही कह रहे थे। ये लबार तो बोलेगा ही। दरअसल मैं जानना चाहती थी जैसे उस दिन चक्कर आ गया मैं गिर गई अगर सचमुच मुझे ऐसा कुछ हो गया तो घर में ऐसा कौन है जो हिम्मत न खोकर मेरा प्रतिनिधि बनकर पूरे घर को अच्छी तरह से संभालेगा। मैंने कहा था ना यही कहेगी बा यही सच है लबाड़। तो क्या जाना आपने कहाँ जान पाई बा आप मुझे बना दीजिए ना प्रतिनिधि। हाँ। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है। हाँ तो कल साबित कर सेकंड सैटरडे है ओपन हाउस में ये बात रखेंगे और जो भी मेरा प्रतिनिधि बनने के काबिल है वो अपनी स्पीच देखकर साबित करेगा कि मेरा प्रतिनिधि बनने के काबिल कैसे है। बेबी तू जज बनेगी ओके। लेकिन बाप तुझे जो भी कहना है कल कहना ओपन हाउस में तेरी बात रखना हा? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।